गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाजियाबाद डिफेंस अकेडमी। आई एम भवनी राजपूत। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज नाउन। ओके, नाउन टॉपिक क्लियर करेंगे आज, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। एज यू नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ नेम। हर चीज का कोई ना कोई नेम होता है एंड नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन, ठीक है। बहुत सिंपल है कि जिस चीज का कोई नाम होता है वह नेमिंग वर्ड क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। बट अगर हमें डिफाइन करना हो व्हाट इज नाउन, तो हम डिफाइन करेंगे नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन जो है वह किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जानवर का नाम या थिंग का नेम हो सकता है। जैसे नेम ऑफ पर्सन, मान लो मेहुल निधि, ये क्या है, नेम ऑफ पर्सन है, ठीक है। प्लेस का नेम सुन लो गाजियाबाद, सर्कस, डिस्पेंसरी, शॉप, ठीक है, दीज आर प्लेसेस नेम, ओके। और थिंग्स नेम जैसे पेन, स्लेट, बुक्स, दीज आर द नेम ऑफ थिंग्स। एनिमल्स नेम हो गए, और इसी तरह से जिस चीज का भी कोई ना कोई नेम होता है नेमिंग वर्ड इज नॉन एज नाम, ओके क्लियर। तो जो भी नाम होते हैं किसी भी वस्तु के, पर्सन के, जानवर के या थिंग के, उन्हें हम क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी काइंड्स ऑफ नाउन्स, ओके। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाउन्स, तो देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन, ओके। पांच तरह की नाउन्स होती है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास, काइंड और ग्रुप, ठीक है। तो जिस तरह से किसी एक वर्ग या जाति के हम प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे हम कहें अंकल, आंटी, लंच, प्लेयर्स और बॉयज। बॉयज क्या है, अगर मैं बताऊँ विराट, लक्ष्य, और तो वो क्या होगा, वो एक क्या होगा कि प्रॉपर नेम ले रही हूँ, ठीक है ना। बट दीज आर बॉयज, तो बॉयज क्या होगा, हमारा कॉमन नाम होगा। इसी तरह से कि जो सेम क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, सेम वस्तु का बोध कराते हैं, सेम थिंग का बोध कराते हैं, दीज आर नोन एज कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे बॉयज प्ले इन द फील्ड, ठीक है, तो बॉयज क्या होगा, बॉयज में बहुत सारे सेम क्लास के बॉयज आ गए हैं, ठीक है। और बुक्स, अम्ब्रेला, अंकल, आंटी, लंच, प्लेयर एंड टेबल्स आर कॉमन नेम फॉर पर्सन, थिंग और द सेम काइंड, ओके। तो कॉमन नाम जो है वो सेम क्लास के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है। इस तरह से फर्स्ट है कॉमन नाउन, एंड सेकेंड हमारा आता है प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन को अगर हमें डिफाइन करना है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, सच नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ओके। प्रॉपर नाउन क्या है कि जो किसी भी विशेष व्यक्ति, देश या स्थान आदि का बोध कराए, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैं किसी स्पेशल व्यक्ति का नेम लूँ, ठीक है, कहूँ पारुल, तो पारुल क्या होगा, हमारा प्रॉपर नेम होगा, ठीक है ना। गर्ल्स में तो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, पर अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम ले रही हूँ दैट विल बी प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेम ऑफ द मंथ जनवरी, फेब्रवरी, दीज आर प्रॉपर नाउन। रिवर्स नेम गंगा, यमुना, माउंटेन नेम्स हिमालय, माउंट एवरेस्ट, ओशियंस इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, मोन्यूमेंट्स रेड फोर्ट, ताजमहल, स्पेशल डेज संडे, मंडे, ठीक है, स्पेशल फेस्टिवल्स, गांधी जयंती, दीज आर रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, दीज आर प्रॉपर नाउन्स, ओके। तो प्रॉपर नाउन्स समझा। अब क्या है आगे हमारा, कलेक्टिव नाउन। व्हाट आर कलेक्टिव नाउन, तो इफ वी डिफाइन कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, सच नाउन आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कि हम एक ग्रुप का बोध होता है, जिससे हमें किसी एक ग्रुप का पता चलता है, जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्लास, तो क्लास विल बी कलेक्टिव नाउन,
क्लास क्या होगी हमारी, कलेक्टिव नाउन होगी। इसी तरह से हर क्या है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स है ना, तो वो क्या होगा हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स दैट इज नोन एज आर्मी। तो जो किसी भी ग्रुप पर्सन थिंग का ग्रुप होता है, ग्रुप इज का जो नेम होता है दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन क्या है अगर हम डिफाइन करेंगे, कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, सच नाउन आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, तो कलेक्टिव नाउन होगा जिससे हमें किसी भी समूह का पता चलता है, ठीक है, चाहे वो व्यक्तियों का समूह हो या थिंग का समूह हो। नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जैसे पता ही है किसी ना किसी मटीरियल से बनी होती है, ठीक है। मटीरियल नाउन इज द नेम गिवन टू ए मटीरियल और सब्सटेंस और विच थिंग्स आर मेड, ठीक है। किसी भी पदार्थ का बोध होता है, किसी भी मटेरियल का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बनती हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज मटेरियल नाउन। वर्ड वुड इज वर्ड विच स्टैंड फॉर द सब्सटेंस और मटेरियल और विच द थिंग्स इज मेड। वुड है, वुड से क्या बनती है, बेंच बनती है, तो वुड विल बी मटेरियल नाउन, ठीक है ना। चेयर इज मेड ऑफ वुड, बैलून इज मेड ऑफ रबर, तो रबर विल बी मटेरियल नाउन, ठीक है। कॉपर हो सकता है, ठीक है, गोल्ड हो सकता है, ठीक है, और ब्रास हो सकता है। इस तरह से जो भी मटेरियल होते हैं जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके और हमें किसी भी मटेरियल का बोध कराते हैं, दैट आर नोन एज मटेरियल नाउन। ओके, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर हमें डिफाइन करना है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू सम आइडिया क्वालिटी फीलिंग और एक्शन विच वी कैन ओनली थिंक अबाउट और फील, जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, ठीक है ना, थिंक कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। दैट इज नाउन, जैसे आइडिया है, किसी में कोई क्वालिटी है, ठीक है, फीलिंग्स है हमारे अंदर, तो वो क्या है, हम केवल फील कर सकते हैं, ठीक है ना, थिंक कर सकते हैं, वी कैन थिंक अबाउट इट बट कैन नॉट टच इट, ठीक है ना, हम उसको टच नहीं कर सकते। जैसे वर्ड है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज समथिंग दैट वी कैन सी और वी कैन नॉट सी और टच। ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट ओनली कैन थिंक ऑफ, लेकिन हम उसको केवल सोच सकते हैं, ठीक है ना, तो फील कर सकते हैं दैट इट इज ऑनेस्टी, ठीक है ना। इसी तरह से ट्रूथ है, ठीक है, तो ये क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी हम फील कर सकते हैं, जॉय खुशी है, ऑनेस्टी है, चाइल्डहुड बचपन, ब्रेवरी बहादुरी, तो ये क्या है हमारे जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, वी कैन थिंक अबाउट इट, वी कैन फील अबाउट इट बट कैन नॉट टच इट, ठीक है ना, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन नॉट कैच इट, हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। ब्यूटी, लाफ्टर, पॉवर्टी, ठीक है, तो इसमें ही क्या है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब आगे क्या आता है, ये हमने स्टडी किया, अब आता है हमारा कॉमन नाउन। में हमारे दो तरह के कॉमन नाउन होती है बच्चों, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स आर फॉर द थिंग्स दैट वी कैन काउंट फॉर विद नंबर्स, जिनको हम काउंट कर सकते हैं नंबर से, ठीक है। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसको काउंट कर सकते हैं, कि गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जैसे वन बुक, टू स्लेट्स, थ्री गर्ल्स, ठीक है, इस तरह से क्या होगी हमारी ये काउंटेबल नाउन होगी, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन को अगर हमें डिफाइन करना है तो अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, काउंट नहीं कर सकते हैं, वन टू थ्री यानी कि हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इंक है, ऑयल है, बटर है, फ्लोर है, हम ऐसे तो नहीं कह सकते, वन एयर, एयर एयर को हम काउंट कैसे करेंगे, वन एयर, टू एयर, इस तरह से तो नहीं कह सकते। राइस को हम ऐसे नहीं कर सकते, वन राइस, टू राइस, ठीक है, वाटर, गैस, एक्सेट्रा आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। दीस आर द पार्ट्स ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन का ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और इस तरह से कॉमन नाउन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरह से बच्चों आई होप आपको नाउन जो है, टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा, और दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और आगे भी हम
आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। इसमें हम पूरी पार्ट ऑफ स्पीच आपको एक्सप्लेन करेंगे एंड देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच एंड इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है ना, नाउन क्या है, फर्स्ट पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का। ठीक है, तो ये हमने आज आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, यू लाइक इट, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल गाज़ियाबाद डिफेंस अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।